जब दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब ना तो भगवान श्री राम जानते थे व ना लक्ष्मण कि उनका अपहरण किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, वो उन्हें वो कहा ले गया। वे दोनों इधर उधर माता सीता की खोज में भटक रहे। तब मुख्यतः सात पुरुषों ने माता सीता की खोज में योगदान दिया। आइए जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। पहले जटायु पक्षी। जटायु भगवान श्री राम की कुटिया की सुरक्षा में तैनात व रावण को माता सीता को ले जाते हुए सबसे पहले उन्हीं ने देखा था। उन्होंने रावण से युद्ध किया था, किंतु उस युद्ध में वो बुरी तरह घायल होकर मरणासन्न की स्थिति में जा पहुंचे थे। जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए जटायु के पास पहुंचे, तो उन्होंने मरने से पहले रावण के द्वारा माता सीता के अपहरण करने की बात बताई। इसके बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे कबंध राक्षस। जटायु से रावण के बारे में जानकर भगवान श्री राम दक्षिण दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में कबंध राक्षस दिखाई दिया। उसके कहने पर भगवान श्री राम ने उसका वध किया। उसी राक्षस ने श्राप मुक्त होकर शबरी माता का पता दिया, जिससे उन्हें अपने आगे का मार्ग मिल सके। तीसरे शबरी माता। शबरी माता बहुत वर्षों से भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब अंत में श्री राम उनकी कुटिया में आए, तब उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया व किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। माता शबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान राम ऋषि मुख पर्वत पर उनसे मिलने पहुँचे थे। चौथे सुग्रीव। सुग्रीव से मिलकर भगवान श्री राम ने उनसे मित्रता की व बलि का वध करके उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया। उसके बाद बलि ने अपना वचन निभाने के उद्देश्य से अपनी वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा था, ताकि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। पांचवे गिद्धराज संपाति। संपाति जटायु के बड़े भाई थे, जो दक्षिण तट पर समुद्र के किनारे रहते थे। जब वानर सेना का एक दल वहां पहुंचा, तो उन्होंने संपत्ति को सब बात बताई। संपाति ने अपनी गिद्ध दृष्टि से माता सीता का पता लगाया व उनके लंका में होने की बात कही। उन्होंने वानर सेना को समुद्र पार कर लंका में जाकर माता सीता को खोजने को कहा। छठे जामवन। वानर सेना के लिए समुद्र को पार करना असंभव था। स्वयं जामवन जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण अब वे इसमें असक्षम थे। इसलिए उन्होंने हनुमान को अपनी भूली हुई शक्तियों को याद करवाया। बचपन में हनुमान एक ऋषि के श्राप के कारण अपनी अद्भुत शक्तियों को भूल गए थे, लेकिन जामवन जी के द्वारा पुनः याद दिलाने के कारण हनुमान के अंदर वही पराक्रम व बल वापस आ गया था। सातवें वीर हनुमान। हनुमान स्वयं भगवान शिव के ग्यारहवें अंशावतार व जामवन जी के द्वारा उन्हें अपनी शक्तियाँ याद दिलाने के पश्चात वे 100 योजना का समुद्र लांग कर लंका पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने माता सीता को खोज निकाला व उनसे भेंट की। वापस आकर उन्होंने माता सीता का पता प्रभु श्री राम को दिया, जिसके बाद श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।